संक्रमण से बचाता है गुनगुना पानी, इन बीमारियों से मिलेगा छुटकारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि पानी ना होता तो हमारा जीवित रहना मुमकिन नहीं रहता। पानी हमें कई बीमारियों से बचाए रखती है। अगर हम दिन में कम 8 गिलास पानी पीते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए एक औषधि का काम करती है। आज के दौर में जब हम कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आयुष मंत्रालय ने भी अपने निर्देशों में कहा है कि दिन में कई बार गुनगुने पानी का सेवन जरूर करें, क्योंकि कोरोना वायरस सीधे आपके फेफड़ों पर वार करता है और इसका असर उन लोगों पर अधिक होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इसलिए आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके लिए गर्म पानी पीना अति लाभकारी है। गुनगुने पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। दिल्ली के डॉक्टर सुरेश गौतम के अनुसार गर्म पानी पीने के कई फायदे हैं। गले और नाक की परेशानी, सर्दी जुकाम, खराश आदि हो तो ऐसे में गुनगुना पानी काफ़ी आराम देता है। कोरोना वायरस श्वसन तंत्र को निशाना बनाता है। यदि गुनगुने पानी का नियमित सेवन किया जाए तो नाक और मुंह पर होने वाले ऐसे किसी भी संक्रमण से बचा जा सकता है। गुनगुना पानी पीने से फेफड़ों में जमे कफ को बाहर निकालना आसान हो जाता है। गुनगुना पानी पीने से शरीर के जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं, इससे हम कम बीमार पड़ते हैं। गुनगुना पानी हमें कई ऐसी बीमारियों से बचाता है जो शुरुआत में तो हमें आम समस्या नजर आती है, लेकिन आगे चलकर वह गंभीर समस्या बन जाती है। गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और भी बहुत सारे फायदे हैं गुनगुने पानी पीने से। गुनगुना पानी हमारी जीभ पर बनी स्वाद कलिकाओं को सिकुड़ने नहीं देता और लार को बनाने में भी यह मदद करता है। यह ठंडे पानी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिससे खाना अच्छे से पच भी जाता है। अगर दिन में 2-3 बार संभव हो तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा ना हो सके तो सुबह गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। यह पेट दुरुस्त रखता है। एक रिसर्च के मुताबिक भोजन के बाद जब ठंडे पानी का सेवन किया जाता है तो यह भोजन में शामिल तत्वों, खास तौर पर तेलों को ठोस बना देता है, जिससे इनका पाचन मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति बहुत नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि यह वसा आंतों में जाकर जम जाती है और आगे चलकर कैंसर का भी कारण बन सकती है। गर्म पानी पीने से इन स्थितियों से बचा जा सकता है। गुर्दों यानी किडनी के लिए ज़्यादा ठंडा पानी नुकसानदायक होता है, इसके बजाय गुनगुने पानी का ही सेवन करना चाहिए। इससे गुर्दे तंदुरुस्त रहते हैं और उनकी सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। गुनगुना पानी हड्डियों और जोड़ों के लिए भी अच्छा होता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को होने वाले पेट दर्द में काफ़ी आराम मिलता है और बिना किसी दवाई लिए आप इसके द्वारा अपना दर्द दूर कर सकती हैं। यदि आपको हमेशा थकावट होती हो या कोई भी काम करने के बाद आप थक जाते हैं तो आपको रोजाना सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि इससे रक्त परिसंचरण बढ़ता है और सुस्ती कम हो जाती है। कब्ज से बचने के लिए हमेशा सुबह गुनगुने पानी का सेवन करें। भूख ना लगने की समस्या है तो गुनगुने पानी में काली मिर्च, नमक और नींबू का रस डालकर रोजाना ग्रहण करें। आपकी भूख खुल जाएगी और जी मचलाना कम हो जाएगा।